हाय डियर, स्वागत है आपको स्मार्ट ही गाइड चैनल पे। मैं हूँ सुष्मिता ओझा और आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इफ कंडीशन। वीडियो होगा इफ कंडीशन के ऊपर, बट जो जिस चैप्टर के ऊपर मैं पढ़ाऊंगी वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब समझ गए, किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल करना, किसी भी चीज को हम किसी भी चीज से कुछ दिखाएंगे, अलग से कुछ दिखाएंगे। इस कंट्रोल स्टेटमेंट में पहले बता देती हूँ क्या क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट से है इफ, नेस्टेड इफ, एल्स, एल्स इफ एंड स्विच केस। आज दिखाऊंगी इफ। ये इफ क्या है, आज थोड़ी सी लूप से बाहर आके हम बात करेंगे, बट ये लूप से ही कुछ जुड़ी हुई है, सेम ही है, बट लूप में रिकर्शन यूज होती है। यहाँ पे रिकर्शन नहीं, बार बार किसी भी प्रोग्राम को हम कॉल नहीं करेंगे, किसी भी चीज को हम बार बार कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही कॉल होगी। इफ जो है यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद इफ जो है वो फंक्शन है। इनफैक्ट जो कंडीशन हम इफ में लगाते हैं किसी भी वर्ड के बाद, किसी भी वर्ड हम आगे अगर लिखते हैं इफ बोलो या प्रिंट इफ, ऐसे ही उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज मतलब ही है क्या, ये फंक्शन हो गया फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे भी ऐसे ही इफ फंक्शन इसलिए बताती हूँ, ये मेथड या फंक्शन जो भी बोलो के फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होती है। यहाँ पे उस इफ के अंदर हम कंडीशन लगा देंगे, वो कंडीशन अगर ट्रू हुआ, इसका इनफैक्ट कंडीशन अगर मैच हुआ तो कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले इनिशियलाइज होगा, उस इनिशियलाइजेशन के साथ कंडीशन जो हम इफ, उसके बाद इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर हम कंडीशन लगा, उस कंडीशन पहले वाला इनिशियलाइजेशन जहाँ पे है वहाँ पे अगर मैच किया तो कुछ प्रिंट करेंगे। जैसे मैं इनिशियलाइजेशन में अगस्त 15 अगस्त दे दिया एंड कंडीशन में दिया कि अगस्त इक्वल टू 15, बहुत सारा लगा सकते हैं एक मेथड के अंदर जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी प्रोग्रामिंग में, बट पहले वाला जो है वो एकदम क्लियर रखिए आप कि इनिशियलाइज होगा, उसके साथ कंडीशन मैच करेगी। 15 अगस्त हम दिए हैं, अगर हाँ 15 अगस्त कंडीशन में आप भी 15 अगस्त है मैच किया तो दिखाएगी कि इंडिपेंडेंस डे। तो आज मैं आप लोगों को इफ कंडीशन प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगी। अब चलिए ज्यादा बकबक ना करके मैं आप लोगों को इफ कंडीशन का प्रोग्रामिंग में यूजेस दिखाती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को इफ कंडीशन के ऊपर प्रोग्रामिंग दिखाऊंगी, कैसे इफ फंक्शन को हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्लास ले ली, एक है कंट्रोल स्टेटमेंट जो मेन क्लास, इन आप किसी भी नेम दे सकते हो आपकी जरूरत के हिसाब से, एंड सब क्लास है ये इफ कंडीशन फ्रॉग बोल के। तो मैं यहाँ पे पहले इफ कंडीशन का जो एप्लीकेशन है वो है इनिशियलाइज किया जाएगा, उस इनिशियलाइज के हिसाब से कंडीशन अगर ट्रू होगा कंपाइलर आके कंडीशन चेक करेगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगी एंड फॉल्स है तो ब्रेक करके बाहर चल जाएगी, बट यहाँ पे बार बार कॉल नहीं करेगी। पहले मैं इनिशियलाइज करती हूँ वेरिएबल int 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 ang अगस्त इक्वल टू 15, इनफैक्ट अगस्त 15। उसके बाद मैं मेथड क्रिएट करती हूँ, जो भी काम करेंगे हमेशा आप लोग मेथड के अंदर ही सब कुछ रखेंगे, डेफिनेशन मेथड के अंदर ही रखेंगे, मेथड क्रिएट करके ही काम करेंगे। ये अच्छे रूल्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लिखने की, क्लास क्लास के अंदर मेथड एंड मेथड के अंदर सारी डेफिनेशन रहेगी,
हम मेथड को फेच करके यूज कर पाएंगे, इजी होगा प्रोग्रामिंग लिखना, एंड यही सही तरीका है। तो void 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 डिस्प्ले display डिस्प्ले फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इफ इनफैक्ट अब इफ कंडीशन हम स्टार्ट करेंगे, कंडीशन क्या देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर देंगे कंडीशन ए यू जी अगस्त, अगर अगस्त मैच हुआ क्या है 15, ये कंडीशन अगस्त 15 होगा तो कुछ प्रिंट करेगी, क्या प्रिंट करेगी, सिस्टम एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर डबल कोट के अंदर मैं दे दूंगी इंडिपेंडेंस डे आई एन आई एन डी पी ई एन डी एन सी इंडिपेंडेंस डे डी ए वाई डे, उसके बाहर आके सेमीकोलन उसको सेव कर देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस मेथड को फेच करने के लिए क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्लास आई एफ पी इक्वल्स टू न्यू फिर से कॉन्स्ट्रक्टर जो क्लास की नेम के हिसाब से होती है एंड सेमीकोलन के नीचे आके जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, डॉट देके डिस्प्ले सेव करके रन करती हूँ। इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे आ गई, ये मैच किया अगस्त मैच किया, अगस्त 15 है क्या, जो मैंने डिफाइन किया अगस्त 15 है या नहीं, क्या 15 है, हाँ है, तो प्रिंट किया इंडिपेंडेंस डे। अगर यहाँ पे मैं 15 ना देके 14 दे देती तो क्या होता, कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं किया, फॉल्स हो गया तो कुछ प्रिंट ही नहीं किया। मैं इसके बाद एल्स कंडीशन दिखाऊंगी, अगर ये मैच नहीं करेगी तो क्या करेगी ये भी दिखाऊंगी, वो अलग सा क्लास में। अब सिर्फ आप इफ कंडीशन ही समझ लो, इसके पहले इफ कंडीशन अच्छी तरह से जान लो, उसके बाद एल्स नेस्टेड इफ ये सब धीरे करके आप सीखते रहेंगे, एंड मैं बाहर से इनपुट दे के कैसे फेच करके आप देखेंगे ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो इफ कंडीशन बहुत बार हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दी मैंने, उसके बाद फिर से और एक वेरिएबल ले रही हूँ, ये सब इंस्टेंट वेरिएबल में ले रही हूँ, बाहर से और एक मेथड अगर क्रिएट करती मैं उस क्लास के अंदर, तो उस वेरिएबल एक बार वेरिएबल को डिफाइन करके ही हम अलग अलग मेथड में इंस्टेंट वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब देती हूँ डी ई सी डिसम्बर इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे मैं दिसंबर दे देती हूँ और एक फंक्शन के अंदर, एंड यहाँ पे 25 दे देती हूँ, एंड यहाँ पे चेंज करके दे देती हूँ क्रिस सी एच आर आई एस टी क्रिस्ट मास एम ए एस मास डे क्रिसमस डे। तो फिर से मैं इसको रन करती हूँ, क्रिसमस डे प्रिंट किया, दिसंबर मैच हुआ तो क्रिसमस डे प्रिंट कर दिया, बट अगस्त 14 जो है ये प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैच नहीं किया, ये अगर मैं चेंज कर दिया तो ये भी प्रिंट करेगी, मैच जो भी कंडीशन मैच करेगी वही प्रिंट करेगी। यहाँ पे दोनों ही प्रिंट किया, इंडिपेंडेंस डे एंड क्रिसमस डे, ये जो दोनों वेरिएबल का नेम दिया उसके साथ जो भी वैल्यू है उसमें जो वैल्यू है अगस्त के अंदर एंड दिसंबर के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अगर मैच हुआ तो ये प्रिंट करेगी। आप लोग समझ गए इफ कंडीशन को हम कैसे फेच करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे कंडीशन मैच करेगी तो एग्जीक्यूट होगी। इस इफ फंक्शन में इतना ही समझना है कि इनिशियलाइज जो भी किया हुआ है एंड हम कंडीशन जो भी देंगे, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ब्रेक करके बाहर चली जाएगी कंपाइलर। तो इतना ही इफ कंडीशन में है, नेक्स्ट क्लास में एल्स कंडीशन आप लोगों को दिखाऊंगी, इफ कंडीशन ये अच्छी तरह से आप लोग सीख लो, एंड नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाने की कोशिश में करूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, इफ कंडीशन शायद आप लोगों को समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो बैकवर्ड में जाके और एक बार देख लो, अच्छी तरह से क्लियर करना जरूरी है क्योंकि इसके बाद भी इफ के ऊपर बहुत सारा प्रोग्राम रहेगी, इसलिए इस वीडियो अच्छी तरह से देख लो
एंड मेरी वीडियो कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। लाइक सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो, एंड क्यों अच्छा नहीं लग रही है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे आके अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज करना, एंड वहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।